नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन की। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक हमें स्कॉर्पियो एन का देखने को मिल जाता है। अब इसकी बात अगर हम फ्रंट की करें तो काफ़ी मैसिव और काफ़ी यूनिक जो है, काफ़ी अच्छा जो है नया लुक इसमें जो है एनहांस कर दिया गया है पहले से। बीच में जो है नया महिंद्रा का लोगो और कुछ इस तरीके की फ्रंट ग्रिल आपको जो है देखने को मिल जाती है। बीच में क्रोम फिनिश भी इसमें दी गई है और साइड में भी आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर LED सेटअप और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको नीचे फॉग लैंप्स भी जो है LED दी गई हैं प्रोजेक्टर्स के साथ। और ये कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक है इसका। अब आ जाते हैं साइड में, उसकी साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का साइड लुक आपको देखने को मिल जाता है स्कॉर्पियो एन का। और जो है काफ़ी जो है जियांट गाड़ी ये जो है लगती है, काफ़ी बड़ी लगती है। और पहले वाला जो इसकी जो जनरेशन थी उससे जो है ये और ज़्यादा मैसिव लगती है। बस अब जो है ये क्लास गाड़ी हो गई है। पहले महिंद्रा जो थी वो एक रॉ तरीके से जो है गाड़ी थी जो रूरल एरियाज में ज़्यादा पसंद करी जाती थी। अब बात कर लेते हैं इसकी टायर प्रोफाइल की। तो इसमें आपको 17 इंचेस के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं और अलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स भी 245/65R17 ये जो है टायर प्रोफाइल इसमें आपको दी गई है। चार अलॉय व्हील्स और काफ़ी अच्छा लुक जो है। यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड भी आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड सेंसर कीलेस एंट्री आपको जो है मिल जाती है। ORVM पे ही आपको इंडिकेटर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं LED सेटअप में। और किसी भी तरीके के डोर वाइजर्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, वो आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये फ्यूल लिड है यहाँ पे और एड्रेनॉक्स की बैजिंग यहाँ पर। आप बात कर लेते हैं रियर लुक की। तो यहाँ पर 4Xplor की बैजिंग, महिंद्रा का लोगो, हाई माउंट स्टॉप लैंप और पूरा LED सेटअप आपको टेल लाइट्स में भी जो है देखने को मिल जाता है। रियर वाइपर, डिफॉगर और ये जो है 4Xplor की बैजिंग आप देख सकते हैं। 4x4 इसका मतलब है 4x4। और यहाँ पर डिफॉगर आप देख सकते हैं दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर आपको मिल जाती है। डिफॉगर भी आपको रियर में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन। और ये कुछ इस तरीके की लंबी सी वही पुरानी डिज़ाइन, थोड़ा सा इसको चेंज किया गया है पहले से। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं पीछे, चार पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको केवल दो मिलते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल गए हैं, नीचे नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। स्पेयर व्हील जो है नीचे दिया गया है गाड़ी में, पीछे ये रोड पर नहीं दिया गया है। कुछ इस तरीके का साइड का लुक है इसका। और रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है ड्राइवर साइड भी। तो बात कर लेते हैं इसके डोर पैनल की। तो डुअल टोन में आपको जो है डोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। विंडोज़ के कंट्रोल्स और ORVM में कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको कुछ फाइल के लिए जगह यहाँ पे मिल जाती है। बोतल होल्डर आपको 1 लीटर की बोतल आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। स्पीकर की प्रेसिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो है ग्रैब हैंडल दिया गया है आपको चढ़ने में जो है दिक्कत ना हो। पावर बटन जो है यहाँ पर दे दिया गया है स्टार्ट स्टॉप के लिए, जो कि अभी तक स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं आता था। ये जिसकी ड्राइवर सीट है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इसमें आपको सारे फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या दिया गया है इसमें। ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल अच्छा खासा दिया गया है, जिससे कि चढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी हाइट कम है। तो ये लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स, कॉल के कंट्रोल्स आपको और म्यूजिक सिस्टम के, और राइट साइड में क्रूज कंट्रोल और बाकी MID के कंट्रोल्स, बीच में महिंद्रा की बैजिंग। और ये कुछ इस तरीके का मीटर्स के, लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स और राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि टिल्ट एडजस्टेबल है। टेलीस्कोपिक इसमें नहीं दिया गया है आपको ऑप्शन, केवल टिल्ट एडजस्ट आप स्टीयरिंग को कर सकते हैं। वापस लॉक इसका लगा देते हैं। और यहाँ पर आपको जो है टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है ये। और नीचे आपको हेजर्ड लाइट्स और बाकी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पैसेंजर साइड का एयरबैग जो है ऑन ऑफ करने का ऑप्शन और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। ये मैनुअल 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है और साथ ही में आपको 4x4 के कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका दिया गया है, थार की तरह इसमें जो है लीवर नहीं दिया गया है। यहाँ पे कप होल्डर छोटा सा आपको देखने को मिल जाता है। और ये कुछ स्पेस आर्म रेस्ट में आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो है इसके कंट्रोल्स, और ये ग्लव बॉक्स देख लेते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स दिया गया है और ठीक है, ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है बट ठीक है। और यहाँ पे आपको अच्छी फिनिश, लेदर फिनिश आपको दी गई है, सॉफ्ट टच दिया गया है।
और साथ में ग्रैब हैंडल और एयरबैग। यहाँ पे बीच में आपको सोनी के स्पीकर की प्लेसिंग और IRVM जो है मैनुअल दिया गया है। ऑटो दे देते तो ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर सनग्लास होल्डर के साथ आपको सनरूफ के कंट्रोल्स, और ये सनवाइजर जो ड्राइवर साइड का है इसमें आपको टिकट रिसिट होल्डर मिल जाता है, कोई वैनिटी मिरर नहीं है, लेकिन हाँ को ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सनरूफ की, तो पेनारोमिक सनरूफ इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है, नॉर्मल सनरूफ ही दी गई है आपको, बट ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अब रियर सीट पे आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपको जो है सारी सीट पे जो है हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं एडजस्टेबल। अब ड्राइवर सीट को मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया था। अब देखते हैं कि अब मैं रियर सीट पे बैठ रहा हूँ, तो देखिए नी के पीछे आप देख सकते हैं, नी के आगे काफ़ी जो है गैप देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी जो है स्पेशियस गाड़ी है ये। रियर में आपको इसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप कंट्रोल भी इनको कर सकते हैं। और एक ये ग्रैब हैंडल आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ऑटो फोल्डेबल, ये बीच में लाइट्स आपको मिल जाती हैं। आप चलते हैं रियर सीट पे और देख लेते हैं रियर सीट पे हमको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये सीट में आ गया हूँ रियर सीट पे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नी के पास उतना स्पेस मेरा नहीं बचा है, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है, 6 फीट मेरी हाइट है, तो इतना यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी पीछे देखने को मिल जाते हैं, तो बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी सही है। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है, ये पीछे 2 स्पीकर का सेटअप भी आपको मिलता है। और यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो नॉर्मल ही है, वो फिक्स्ड है। और यहाँ पर आपको डिक्की में भी आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, कीलेस एंट्री आपको पीछे भी मिल जाती है, और 115 लीटर का बूट स्पेस जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ये था कुछ स्कॉर्पियो एन का हमारा रिव्यू, होपफुली आपको स्कॉर्पियो एन जो है पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप स्कॉर्पियो एन परचेस करना चाहेंगे या फिर नहीं। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।